Sister, all the way from Bangalore, has sent this for me. Wow, so cute! Hey guys, welcome back to my channel. So, कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे. थंबनेल देख के और कैप्शन देख के तो बात चली गई होगी ये वाला ब्लॉग किसके लिए है. यस गाइस, टुडे इज माय बर्थडे. हैप्पी बर्थडे टू मी. सो करती हूँ ब्लॉग को स्टार्ट. बट सॉरी उन लोग के लिए जो जिन लोग को मैंने प्रॉमिस करा था और दोज पीपल हु ऑलवेज कीप्स ऑन वेटिंग फॉर माय ब्लॉग्स. कुछ ही होंगे जो मेरे ब्लॉग्स हमेशा देखते हैं. थैंक यू फॉर ईच एंड एवरी वन. बट आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं 3 हफ्तों से कोई ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी. बिकॉज बहुत सारे रीजन्स हैं. फर्स्टली आई वॉज नॉट गेटिंग टाइम. सेकेंडली बनी का कुछ तबीयत ठीक नहीं था, फॉर विच आई वॉज वेरी सैड. एंड थर्डली काम का प्रेशर, फॉर विच फोर्थली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर सैटरडे को एक ही कंटेंट का ब्लॉग देना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था. आप लोग भी कभी ना कभी तो बोर हो ही जाओगे कि क्या है हर रोज़ की. तो सिंस आई वॉज नॉट गेटिंग टाइम टू मेक न्यू कंटेंट, सो इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं डाला. तो एनीवेज गाइस, ये ब्लॉग पूरा जाएगा मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन के ऊपर. तो करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट. बने रहिए देखने के लिए क्या क्या करती हूँ मैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. आज मैंने शैम्पू लगाया. ऑब्वियसली हर कोई इवेंट के दिन या फिर ओकेशन के दिन हर कोई शैम्पूस वगैरह लगाता है. आई नो बहुत सारे गर्ल्स एग्री करेंगी यहाँ पे. बनी को अभी सुला दिया है. अभी आज मैं मतलब आई डिडंट गो टू कोर्ट और चैम्बर भी नहीं जाऊँगी. आज पूरा दिन घर पे. मम्मी और पापा आ रहे हैं लंच के लिए यहाँ पे. फिर शाम को थोड़ा छोटा मोटा सेलिब्रेशन होगा. तो लेकिन मैं दिखाती हूँ इस इतने 3 हफ्तों से मैंने कुछ नहीं ब्लॉग डाला. तो बट बनी के साथ थोड़े बहुत क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी. तो नेक्स्ट इज़ ऑल द क्लिप्स ऑफ बनी. We'll be right back.
टाइम यहाँ पे लंच का प्रिपरेशन चल रहा था, जो जिसमें होगा इली शोशे विथ कोकोनट, जो हर किसी को पसंद है सिवाय मेरे, तो माई फादर इन लॉ वॉज हेल्पिंग इन दैट। फूल फ्रिंज जो हमने लगाए थे जैसे कि ये वाले, मेरा पहले से ही मतलब प्लान था कि दो पोर्ट्रेट एंड दो लैंडस्केप लगाएंगे तो ये फॉर्म होगा, मतलब अच्छा लगता है दिखने में। दिस वन, ये दो छोटा छोटे छोटे बनी के, एक्चुअली ये तो प्रोग्राम का किसी ने खींचा था तो उनसे हमने मंगवा लिया ये फ़ोटो। एंड दिस वन जो हमारे नॉर्मल डेज में वो बनी नहीं, हेयर फर्स्ट टाइम बांधा था तब वो बैठने लगा था, तब उसके उस टाइम में हमने खींचा था, मतलब कुमार ने खींचा था, तो मैंने बोला ये वाला फ्रेम करा लेते हैं, यू नो ये वाला हमारा जॉइंट पिक्चर में, ये वाला एक बनी के साथ एंड ये वाला पापा जी का सिंगल फ्रेम। प्रॉब्लम ये है कि आज कुमार का केस था हाई कोर्ट में, तो उसको जाना पड़ा पूरा दिन मैं अकेले, पापा जी मतलब कुकिंग का सारा प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेड तो है ही, जैसे कि मैंने बोला लंच पे सिर्फ मम्मी पापा आ रहे हैं और शाम को थोड़ा छोटा सा प्रिपरेशन हमारे मेड के लिए, थोड़ा यू नो स्वीट पैकेट्स लाने के लिए, तो कुमार ये लाए हैं दोनों मेड्स के लिए। बनी उठ गया, उठ के ही उसका शुरू, मैम मैम की करो तुम्हें बाबू की करो। कुमार जो बनी के लिए जितने भी बुक्स लाया था ना, वो तो उसको देखता भी नहीं है, बस इस बॉक्स से निकाल कर बस उसको फेंको, बस उसका काम खत्म। मम मम की करो तुम्हें, बनी को मम मम वाला जो बुलाती हूँ ना मैं, तो उसको समझ आ गया कि मम मम उसका नाम है। सबसे पहले जो मुझे गिफ्ट मिला वो है ये, पता ही है आपको ये वाला, दिस वन जो मेरे फादर इन लॉ ने आज मतलब इस वाले बर्थडे पे दिया है, जो मुझे आज देने वाले थे वो, लेकिन मैंने बोला नहीं मुझे पहनना है तभी, तो मैंने पहन लिया था। एंड बनी को देखो, बनी तुम्हें किच्छू पारना है, तुम्हें किच्छू बुझना। बनी को सिर्फ एक वर्ड समझ आता है अभी, वो है आशो, मतलब बुला जब मैं बुलाती हूँ कि आशो आशो आशो, तो चलो चलो चलो, ये वाला उसको समझ में आता है। एंड उसका नाम जो बनी है वो उसको समझ में आता है, उसका एक्सप्रेशन देखो। एंड जब मैं उसको मम्मा बुलाती हूँ तब भी उसको समझ में आता है, फिर दादू मतलब तो पापा जी को जब बुलाती हूँ मैं दादू दादू, तब वो समझ में आता है। पापा को वो नानो बुलाएगा तो नानो भी मुझे नहीं लगता उसको समझ में आता होगा इतना, तो या अभी कुमार का शायद कोर्ट से पता नहीं कब निकलेगी, पापा को अभी कॉल किया है कि पापा जब पहले आ जाए ताकि पापा मेरे पापा और माय फादर इन लॉ एक साथ खा मतलब लंच कर सके, एंड फिर मम्मी थोड़ा बाद में आएगी। Moments later. Gabe, gari diye. Chalo gari diye. That's it. Asibo, ite ekko sath. You have to go to the bell. Bell jabe na. Bell बेरुके जावे चोने जावे चोन 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 यही चलता है हर रोज लंच के टाइम बनी घर, कभी कभार वो चुपचाप खा लेता है, कभी कभार इतना वो प्रॉब्लम होता है। अभी पापा का और मम्मी का लंच रेडी करके
उनको सर्व करना है। मैंने देखा है हर साल मेरी कोई भी मतलब इम्पॉर्टेंट कोई इवेंट होगा या फिर मेरा बर्थडे, हर साल मेरे बर्थडे के दिन बारिश तो होना ही होना है। आज भी वेदर बहुत ही पता नहीं डर लग रहा है कोई आ पाएगा कि नहीं। वैसे सब लोगों ने बोला है कि जिन लोगों ने को मैंने इनवाइट कराया है वो लोग आएंगे एक्सेप्ट माय वन सिस्टर एंड वन ऑफ माय जूनियर फ्रेंड एंड वन ऑफ माय सीनियर फ्रेंड, वो लोग नहीं आएंगे तो ना कुछ प्रॉब्लम है। बाकी सारे लोग तो बोल रहे हैं कि आएंगे, अभी पता नहीं वेदर का क्या है। अभी मम्मी खा लंच करके जा रही है वापस से घर, फिर शाम को आएगी। फिर मम्मी यहाँ पे आने से वापस से हम लोग एक ही साथ चलेंगे डायरेक्टली रेस्टोरेंट। तो अभी बनी सो रहा है, कुमार भी आ गया है, हमने घर लंच कर लिया। अभी थोड़ा तो रेस्ट करूँगी, नहीं रेस्ट नहीं करूँगी, आई हैव टू अप्लाई नेल पॉलिश। आई एम कन्फ्यूज विच कलर टू अप्लाई बिकॉज आज तो कुमार का एक गिफ्ट मिलने वाला है। बहुत दिन से मन था कि कब पहनूंगी वो गिफ्ट। देखा ही होगा आपने मेरे प्रीवियस ब्लॉग में कि कैथलीन गए थे, वहाँ से क्या खरीदा, गैस तो कर ही लिया होगा बहुत लोगों ने। A few moments later, उठ के ही बनी सबसे पहले उठ के ही मेरे पास आता है ऐसा करके, मम्मा सोनू उठ के कैसे तुम्हें, मामा मैं बर्थडे से जाबे तुम्हें तुम्हें इनवाइटेड बाबू। आई हैव अप्लाइड दिस वाइट शुगर पॉप का शेड। पहले आई वाज कंफ्यूज्ड विच कलर टू अप्लाई, चलो चलो व्हाइट लगा लेते हैं। अभी बनी को बिस्किट और मिल्क देना है, कभी कभार शाम को हलवा वगैरह या सूजी का हलवा या फिर कुछ और दे देती हूँ। आज उसको अभी बिस्किट दूंगी तब उसको प्रिपेयर करूंगी। सो आई एम वेयरिंग दिस ड्रेस, नीचे आई विल वेयर वन बूट्स, सिंपल सा मेकअप किया है। Sister all the way from Bangalore has sent this for me. Wow, so cute. It's so good. Thank you.
बीच में थोड़ा बहुत मैंने खा लिया, बाकी पूरा पैक करके लेके आई हूँ। सबको ड्रॉप कर दिया, मतलब मम्मी को ड्रॉप करा, इसके बाद बृष्टि वर्षा जितने मैं कुमार की सिस्टर्स थे उनको ड्रॉप किए। अभी वापस घर आई हूँ, गला लिटरली बहुत सूखे जा रहा है। यू कैन सी माई रिंग, दिस इज द वन, यू कैन सी। यस, बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। अभी बनी को फीड करा के उसको सुलाना है, फिर हम मैं सोऊंगी। एनीवेज गाइस, दिस वाज इट फॉर दिस ब्लॉग, होप यू विल लाइक दिस ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, लव यू।